हिंदू धर्म को तबाह करने का प्रयास करने वाली कांग्रेस को जनता सबक सिखाएगी। ऋषिकेश में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हिंदू धर्म को तबाह करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जनता उसे सबक सिखा कर रहेगी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विकास और विरासत दोनों की विरोधी है। उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं भूल सकता कि कांग्रेस पार्टी ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। यह कांग्रेस ही है जिसने पहले राम मंदिर का विरोध किया। जितने अडंगे डाल सकते थे डाले और अदालत में भी रुकावटें डालने की कोशिश की। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया उन्होंने कहा, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुनाह माफ कर उनके घर जाकर उन्हें मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण भेजा, लेकिन उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। मोदी ने कहा कि अब तो कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर प्राण लिया है कि हिंदू धर्म में निहित शक्ति का विनाश करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस शक्ति स्वरूपा माँ धारी देवी माँ चंद्र बदनी देवी माँ ज्वालपा देवी की शक्ति को खत्म करना चाहती है। उत्तराखंड की आस्था को तबाह करने की साजिश चल रही है और कांग्रेस की ये बातें आग में घी डालने का काम करेंगी। गंगा जी के अस्तित्व पर उठाया सवाल। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आप सभी को भूलना नहीं है कि यह वही कांग्रेस है जो कहती रही है कि हर की पौड़ी माँ गंगा के किनारे नहीं है, वह एक नहर के किनारे बसी है। ये गंगा जी के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। इन्हें उत्तराखंड के लोग सबक सिखाकर रहेंगे। पहले के मुकाबले देश मजबूत हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके नेतृत्व वाली स्थिर सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पहले के मुकाबले देश को बहुत मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि उससे पहले जब तक देश में कमजोर और अस्थिर सरकारें रही तब तक भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे, लेकिन उनकी मजबूत सरकार में आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा जाता है। उन्होंने कहा कि आज युद्ध क्षेत्र में तिरंगा भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। धारा 370 खत्म की, 3 तलाक पर कानून बनाया। मोदी ने कहा कि उनकी मजबूत सरकार ने 7 दशकों बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म की, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया, महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया और पूर्व सैनिकों को OROP 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ दिया। उन्होंने जनता से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड की 5 सीटों पर एक बार फिर भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाने को कहा। 2014 और 2019 में भी प्रदेश की 5 सीटें भाजपा के खाते में ही गई थीं।